जिला गुरदासपुर के पिंड इनोकोट विखे एक परिवार की काफी दुख भरी दास्तान सामने आई है। तुसी तस्वीरां देख के खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यह वह बुढ़ी माँ है जिसने किन्निया ही मन्नता मंग के किन्निया ही धार्मिक थावां दे उत्ते मत्थे रगड़ के पुत होण दे लई अरदासा कीतियां होणियां ताकि उन्हां दे कोल पुत होवे अते आण वाले समय दे विच जदों इन्हां नूं बुढ़ापा आवे तां उह पुत इन्हां दा सहारा बन सके। पर मां नूं की पता सी कि बुढ़ापे दे विच वी इस मां नूं ही अपने पुत्तां दा सहारा बनना पवेगा। तीन पुत अते दो तीआं इस बुढ़ी मां ने पंज बच्चियां नूं जन्म दिता, तीआं दा विआह कर दिता पर पुत्तां नूं विआह ना सकी। एक पुत 30 साल तों घरों चला गया सी अते दूजे पुत दीआं अखां दी रोशनी चली गई है अते 7 साल हो गए ने इस अखां दी रोशनी गई नूं। तीजा पुत मंदबुद्धी है, घर दे हालात इन्ने कु माड़े हन कि पता नहीं रात दी रोटी मिलनी भी है जां फिर नहीं। जेकर पिंड दी गल कीती जावे तां इस परिवार लई पिंड विचों कोई नहीं अगे आया, ना तां पिंड दे सरपंच ने अते ना ही कोई महतरब इन्हां दा सहारा बनिया, ना ही इन्हां दी किसे ने कोई गल पुछी। इन्ने माड़े हालातां दे विच अज तों 7 साल पहला बिजली विभाग दे कर्मचारी इन्हां दे घर आउंदे हन अते इन्हां दा मीटर कट जांदे ने क्योंकि इन्हां कोलों 1500 रुपए बिजली दा बिल नहीं भरिया गया। तां बुढ़ी मां तरले मिंता करदी रही पर बिजली विभाग वालियां ने इक ना सुनी, मीटर कट के चलदे बड़े अते इह 7 साल तों बिना बिजली तों रह रहे ने। किसे भी पिंड वासी ने इन्हां दी हले तक सार नहीं ली, ना तां इन्हां नूं पेंशन मिलदी है अते ना ही इन्हां दा बिजली दा कोई बिल माफ है। इत्थे सरकारां दे वड्डे वड्डे दावे झूठे पै रहे ने। आखिर किहो जिहा माहौल है अते बुजुर्ग माँ की कह रही है इस विषय नूं लैके अते की मंग कर रही है आओ दिखाने आ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕੇ ਜਾਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਤਾਰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਟੋਟੇ ਕੱਢ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ? ਕੱਖ ਨੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ जो गरीबा दी मदद करदे ने। क्या तुहानू नहीं लगदा कि इस परिवार नू मदद दी जरूरत है? की तुहानू नहीं लगदा कि अज उन्हां संस्थावां दी जरूरत है इस परिवार नू? क्या तुहानू नहीं लगदा कि अज सरकारां दे खिलाफ किसी नू भी इस परिवार दे लई आवाज उठानी चाहीदी है? इस विषय दे उत्ते अपने कमेंट जरूर देना ते जो भी वीर भैण भरा इन्हां परिवार दी मदद कर सकदा है कृपा करके इस परिवार दी मदद जरूर करना। वेखो भाजी 7 साल जिहड़ा परिवार इह रिहा बत्ती तों बगैर पखे तों बगैर, अजकल ते पखियां थले बह के भी सकून नहीं मिलदा मन नूं। पर जदों सानूं 7 साल बाद मैनूं पता लगा वा इत्थे पिंड तों किसे वीर जिहड़ा अज मैंबर आ ट्रस्ट दा ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ 200-200 ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 400 ਯੂਨਿਟ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ, ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ। ਬਸ ਵੋਟ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ
परिवार को राशन मैडिकल की सहूलत जी आडे वालों दी जाएगी। बाकी अं आस करते हैं संगतान के सहयोग न जोड़ा एक कमरा परिवार का वो पा दिता जाए तो जो परिवार की जी थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई है वो चंगे तरीके वधिया तरीके गुजार सके, क्योंकि जोड़ा वीर आनू अखा तो दिखाई नहीं देता। माता जी उन्होंने राशन तो आप दे सकते हैं पर पका नहीं सकता। फिर भी मैं ये गल कही कि कोई लेडी रख लो जी 500 या 1000 रुपया ले आप पैसे देवे माता को दो टाइम रोटी पका के जरूर दे। फिर इतने सरकार आदि वा कहीं लैटरिंग बाथरूम जी लैटरिंग बनाई पिंड पर भाजी सरकारी लैटरिंग परिवार गरीबों वास्ते बनिया पर अज बन रही वा जोड़े पिंड के मेन मोहतवार आ उन्होंने घर लैटरिंग बनिया सरकारी लैटरिंग नहीं बनी। माता इदा ठेडे ठूडे खाँदी बहर जा के कभी पैलियां दे विच जा के वह वीर नूं जिहड़ा देखदा नहीं दिन रात बाहर नहीं निकलते कि सानूं देखदा नहीं है वीर नूं कि आपां किद्दां जा के जिहड़ा बाहर जावांगे गुजारा करांगे। बहुत माड़े हालात आ परिवारां दे। बाबा जी 7 साल हो गए मेरी रोशनी गई नूं 7 सालां दे विच विच साडी मीटर लगा सी ते मीटर लगे दे कारण सिर्फ पैसे नहीं कोल हैगे 1500 रुपया बिल आया सी ते जिन्हां नूं असीं आख्या सी अद्धा बिल लै जाओ 1500 1500 लै जाओ अद्धा लै जाओ अद्धा बाद दे दांगे आते भी नहीं अं सारा ही लैना तो फिर अही नहीं चलो पैसे हो गरीब बंदे हाँ तो उन्होंने मीटर दिया तारा जी मीटर दिया तारा भी वढ़ती तो मीटर भी पुट के लैदे। घर के हालात कि पेंशन लगी है कार्ड राशन कार्ड बने वा आधार कार्ड बने कि हालात ने घर हालात साढ़े बहुत माड़े बाबा जी हालात अभी इन्ने माड़े भी सतगुर की कृपा के नाल अं दिन कभी रात लम्बे पै लेना कभी उठ के बह लेना मच्छर लड़ता रहा सत्त अठ साल बड़ा टाइम औखा लंघाया। मेरा वीर है वो चारा आया उन्होंने तरस आया साडा गरीबों का भी इन्हों गरीबों को करके देव उन्हें बेचारे ने सू तार भी ला के दी सू पखा भी नवा ला के दिता बटाले शावा शो वीर ने सू पखा भी लाता तार भी ला दी आखो बल्ब जगन दिया वा माड़ी मोटी रोशनी हुई है तो असी बाहर अंदर माँ पुत हो जाने साढ़े कमरे भी जड़े बहुत माड़े आ बाले टुटने वाले आ तो जे अं बाले थले आ गए मर गए तो फिर भी चलो परमात्मा ने जिते खड़ना वो तो खड़ना ही है। कोई मोह बेर नहीं हड़े आखे लगा ना सरपंच ही जो वोटा की वारी आँदी उदो तुर पू पगं बन गई भी सू वोटा पा दो सू फलान कर दो ना कोई मैंबर पंचायत हाडे आखे लगता तो ना सरपंच ही कोई नहीं साड़ी सुनता गरीबों की। ये बेनती है कि तुम सानू गरीबों कोठा पा के दे दो लेंटर वाला जिद असी जिन्ना चेर भी जीना आप टाइम पास करिए चलो रोटी पानी तो मैं फिर तुर के लिया के मंग के रोटी आप भी खा लीना तो माता भी मेरे को खवा दिना। एक मेरा वीर आ इनोकोट राजविंदर वह ना राजू वो सानू बेचारा रोटी दे जाता कई बार वो दे जाता कई बार फिर नेरे मेरे को नहीं जाया जाता तो माता चल जाती है चाहे उन्होंने घर चो परिवार उन्होंने रोटी दे जाता माता को क्योंकि मैं तो फिर तुड़ के दिन दिन खा लीना तो जे रात रोटी मैंने मिलती है तो ठीक है नहीं मिलती तो मैं बाबा जी भुखा ही सुता लीना। कोई होर मदद वास्ते कोई अगे आया हो? कोई नहीं आया बाबा जी कोई नहीं साड़ी मजत हाथ आया मजत कराने वास्ते आया ना सरपंच आया कोई ना मैंबर पंचायत ही आई है ठीक है ना साड़ी किसी ने नहीं सुनी जो कोई सुनता तो दसन गए भी वोटा के यार आ सारे वोटा पा दो तो फिर फलाने बल्ले तेरे बल्ले बल्ले लीडर बन रहे एडे तगड़े पर लीडर ने सवारा कख नहीं। हर समस्या का है समाधान वो भी घर बैठे बैठे। कैसा होगा आज कैसा होगा कल क्या परेशानियों ने निकाल रखी है आपकी जान आपके जटिल से जटिल समस्या का समाधान देंगी लेडी गुरु माता जी। एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है जब कहीं ना हो काम तो यहाँ से ले समाधान आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या परिवार वालों को मनाना डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या संतान सुख में विलंबता या फिर पाना चाहते हो अपना खोया हुआ प्यार डिप्रेशन टेंशन या मनी प्रॉब्लम कैसे बदलेगा आपके जीवन का हाल अभी संपर्क करें लेडी गुरु माता जी को। इनका नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है गुरु माता जी से संपर्क करें कोई भी परेशानी का तुरंत समाधान पाएं।